अब हम देखेंगे डेट एंड टाइम क्या है। हम डेट एंड टाइम पे चलते हैं, तो यहाँ पे वो डेट एंड टाइम के सारे सेटिंग्स बता देता है। यहाँ आप डेट देख पा रहे हैं और टाइम देख पा रहे हैं, और हमारा टाइम जोन भी देख पा रहे हैं। तो आप टाइम जोन पे बदल सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे टाइम जोन है, और हम बदल के ओके कर देंगे तो अपने आप बदल जाएगी टाइम जोन। फिर आप डेट और टाइम, डेट बदलना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, तो आप डेट बदल सकते हैं। और कैलेंडर सेटिंग में जाएंगे तो आपको बड़ा सा एक और आएगा यहाँ पे, जिसमें आप डेट वगैरह बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं, टाइम भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। हमारा रुपी करेंसी सिंबल बदल सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा नया रुपी करेंसी सिंबल है तो हम ये लगा के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नए करेंसी सिंबल अप्लाई होता है, और यहाँ नंबर्स के लिए बहुत सारे हैं, आप ओके दबाएंगे तो ये हो जाता है। फिर यहाँ आपका फॉर्मेट, आपका जो कर, जो आपका कीबोर्ड है, कैसे लिखना चाहिए, कौन से लैंग्वेज में लिखना चाहिए, वो सारे लैंग्वेजेस भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लोकेशन, आपका कहाँ का, आप कहाँ रह रहे हो अभी, तो आप किस देश में रह रहे हो। हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत चूज करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड्स, यहाँ पे अलग अलग कीबोर्ड अगर आपके पास है तो आप बदल सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज बार भी है, यहाँ पे एडवांस की है, तो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। लैंग्वेज बार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं लैंग्वेज बार। फिर आप एडवांस की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप लेफ्ट ऑल्ट और शिफ्ट दबाओगे तो आपका दो लैंग्वेजेस के बीच में स्विच हो सकता है, तो उस तरह से कुछ हो गया। तो ये सारे लैंग्वेज एंड इनपुट के लिए है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को, खैर अभी हम इस पे ज्यादा जाएंगे नहीं, पर ये भी काफी अच्छा तरीका है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप इसमें प्लीज फिर बदल ना करें, तो आप अप्लाई करें, ओके करें, तो यहाँ आपका कम डेट एंड टाइम सेटिंग्स आपका सेट हो जाएगा अपने आप ही यहाँ पर। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन क्लॉक्स देख सकते हैं, जैसे कि आप अगर एक और क्लॉक दिखाना चाहते हैं विद कोई और कंट्री का टाइम जोन, अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको एक और क्लॉक दिखेगी जो कहीं और की टाइम दिखा रही है। खैर अभी तो हमें चाहिए नहीं, तो हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी वो। उसके बाद इंटरनेट टाइम, आपके पास अगर इंटरनेट होगी तो वो अपने आप ही times.windows.com से सिंक कर देगा और आपको टाइम दिखा देगा। तो ये एक था टाइम का, डेट एंड टाइम का। डेट भी जैसे कि आप जान चुके हो कि कैसे बदलना है, कैलेंडर वगैरह कैसे देखना है करके, तो यही था डेट एंड टाइम का एक छोटा सा एक्सरसाइज था जैसा। उसके बाद हम देखेंगे डेस्कटॉप गैजेट्स, काफी सारे डेस्कटॉप गैजेट्स आपको यहाँ पे दिख तो जाएंगे खैर, पर उसके लिए हमें इसे मिनिमाइज करना होगा और हमें डेस्कटॉप पे आना होगा। तो हम डेस्कटॉप पे हैं, आप अगर हम क्लॉक का दिखाना चाहते हैं आप बस इसे क्लिक कीजिए, इसे खींचिए और यहाँ डाल दीजिए, ये अपने आप यहाँ सेट हो जाएगी। तो ये रहा आपका गैजेट, आप इसे हिला सकते हैं, आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, आप अलग अलग स्टाइल क्लॉक डाल सकते हैं, जैसे कि ये अच्छी है ये आप डाल सकते हैं, तो उस तरह का कुछ है। यहाँ और भी विजेट्स है, और भी विजेट्स आप नेट से भी ले सकते हैं, तो उसके लिए भी साइट आती है और माइक्रोसॉफ्ट खुद का साइट भी देता है। इसमें डिटेल्स दिखते हैं कि कितने साल का है, कहाँ से आया है, बस ये गैजेट्स का था। तो आप यहाँ आ जाएं फिर से, और उसके बाद हम डिस्प्ले के बारे में जानेंगे। तो डिस्प्ले तो खैर पहले भी मैंने बताया था, अगर आपको छोटा बड़ा और मीडियम करनी है तो यहाँ से जाएं। रेजोल्यूशन आपको अगर बढ़ानी है, यानी अगर हमें अभी देखो छोटी करनी है, सारी चीजें अच्छी अच्छी नहीं दिखानी है, मतलब अगर आपको सपोज आप प्रोजेक्टर वगैरह में कनेक्ट करते हैं तो अगर आपका डिस्प्ले अगर बड़ा हो जाए तो आपको रेजोल्यूशन कैसे नीचे कम करना है, तो उस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई तो ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और आपका स्क्रीन ऐसे दिखाएगी। फिर बाद में आप रिवर्ट अपने आप कर सकते हैं, रिवर्ट करेंगे तो यहाँ फिर आ जाएगी ये, और आप फिर इसे नॉर्मल रिकमेंडेड वाले पे ले आ सकते हैं, अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। फिर आप डिस्प्ले सेटिंग बदल सकते हैं, तो वही है डिस्प्ले सेटिंग भी वैसे। यहाँ एडवांस सेटिंग में कुछ और चीजें होती है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है कि नहीं है, मॉनिटर आपका कितना हर्ट्ज पे रिफ्रेश हो रहा है, कितना आपका अच्छा कलर है कि नहीं है। फिर आप ट्रबल शूट करा सकते हैं अगर आपका डिस्प्ले खराब हो गया होगा,
और आप कलर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप एक फ्रेश कलर चूज करके कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कलर के साथ इतना ना खेले, अगर आप कलर के साथ क्योंकि खेलोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपका, इसमें आपका पूरा डिस्प्ले उड़ सकता है। तो हम फिर चल सकते हैं वापस कंट्रोल पैनल पे, और हम अभी हम खैर तो डिस्प्ले और डेस्कटॉप गैजेट्स और डेट एंड टाइम तो जान चुके हैं, और उसके साथ ही अभी हम पर्सनलाइजेशन भी जानेंगे। तो जैसे कि पहले भी मैंने दिखाया था कि अगर आपको वॉलपेपर वगैरह बदलनी है, फॉर कस्टम वॉलपेपर डालनी है तो कैसे डालनी है, जैसे कि हमारा ये स्किल ट्रेन का लोगो है तो वही एक अभी हमारा वॉलपेपर है, तो आप अगर यहाँ से चाहे तो आप बदल सकते हैं या आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपके पास विंडो कलर है, यहाँ अगर आप ब्लू दोगे तो यहाँ और यहाँ सब ब्लू हो जाएगी, यहाँ ब्राउन दोगे यहाँ और यहाँ सब ब्राउन हो जाएगी, इनफैक्ट यहाँ सब भी ब्राउन हो जाती है। और आप कलर इंटेंसिटी कम कर सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, कुछ इस तरह है। तो ये एक था। फिर साउंड्स, यहाँ विंडोज अनगिनत साउंड्स देता है आपको, जैसे कि यहाँ पे कोरागा वगैरह है तो आप प्ले करके, तो अगर आपको शट डाउन करने के टाइम पे, लॉग ऑन करने के टाइम पे आपको क्या आपको, और लॉग ऑफ करने के टाइम पे, तो ऐसे अलग अलग साउंड्स आते हैं, जैसे कि ये है इस तरह, तो आप इससे गाने बदल आवाज बदल भी सकते हो, और ये काफी अच्छी होती है यूज करने में भी। स्क्रीन सेवर तो खैर हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहे तो यूज कर भी सकते हैं, जैसे कि हमारे पहले वाले एक्सपी या 95 वगैरह में स्क्रीन सेवर काफी यूज होती थी, यहाँ हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा स्क्रीन सेवर क्या है, कुछ बबल्स आ रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ स्क्रीन सेवर्स होती है। दरअसल अभी तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जो अपने आप ही हम डिस्प्ले बंद कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आइकन्स वाइकन्स भी बदल सकते हो आप, डेस्कटॉप में आप अगर कुछ और चाहते हो तो आप कुछ और चीजें ले आ सकते हो। फिर माउस पॉइंटर, जैसे कि हमने माउस का देखा था सारा सेटिंग्स वो यहाँ पर भी है। फिर अकाउंट पिक्चर भी बदल सकते हो, यानी आपका जो एडमिन का जो हमने स्टार्ट में दिखाया था ये जो पिक्चर है आप बदल सकते हो यहाँ आके। तो ये कुछ पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन के लिए यूज होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो हम वापस चलते हैं कंट्रोल पैनल के होम में, और इस वैसे हमने पर्सनलाइजेशन तो जान ही लिया है, उसके बाद अब हम जानेंगे पावर ऑप्शंस के बारे में। पावर ऑप्शंस क्या होता है? पावर ऑप्शंस आप क्या सोच रहे होंगे? पावर ऑप्शंस शक्ति मिल रही है आपको यूपीएस से या पावर से, करंट से, तो उसे आपको बचाना है या आपको कम से कम पावर इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ आके अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं जिससे आपका इस्तेमाल कम ज्यादा होता हो। तो यहाँ हमें दिख रहा है दो अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि बैलेंस लिखा है हमने, अभी फिलहाल तो बैलेंस में है हम, तो हम अगर आप प्लान सेटिंग्स देखना चाहेंगे तो ऐसा है, तो हमारा कभी डिस्प्ले बंद नहीं होगा और हम स्लीप पे नहीं डालेंगे। लेकिन आप अगर पावर सेटिंग्स को अगर पावर सेवर पे देखेंगे तो यहाँ आपको डिस्प्ले 5 मिनट में बंद हो जाएगा, तो आपका करंट बिल कम आएगा, तो और आप पावर काफी सारा बचाओगे। तो ये आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप काफी बार पावर सेवर में रखें, लेकिन अगर आपके अभी फिलहाल तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बैलेंस पे रखना पड़ रहा है, तो वो कुछ ऐसा है। फिर आप रिक्वायर पासवर्ड ऑन वेकअप, यानी आप पासवर्ड लगवा सकते हैं यहाँ पे वेकअप कराने के लिए। आपका जैसे ही डिस्प्ले बंद हो जाएगा अगर आप माउस हिलाओगे तो शुरू हो जाएगा, लेकिन आप अगर वेकअप करने के टाइम पे अगर आप पासवर्ड पूछेगा तो आपका डेटा भी सिक्योर रहेगा। दूसरा, यहाँ पे पावर बटन क्या करना है? तो आपके कुछ कुछ कंप्यूटर्स में पावर बटन होगा जो सीपीयू के ऊपर भी था, हमने वो देखा था। स्लीप बटन दरअसल हमारे कीबोर्ड में होता है कुछ फंक्शन कीज के साथ करने के लिए, तो वो होती है। फिर आप खुद का पावर प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं और आप अलग अलग सेटिंग्स उस पर लगवा सकते हैं। फिर आप कभी आपका डिस्प्ले बंद होना चाहिए, कभी ये शुरू होना चाहिए, वो सेट कर सकते हैं, और स्लीप भी कभी कराना चाहते हैं और नहीं कराना चाहते हैं उसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होती है पावर प्लान्स। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन है, तो हाई परफॉर्मेंस में तो खैर हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप हाई परफॉर्मेंस में काफी देर तक आपका करंट चूसेगा, लेकिन आप काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यही है पावर का ऑप्शंस, और आप पावर के साथ कैसे खेल सकते हैं इसी का तरीका है।
हम वापस चलेंगे और इस लेसन का आखिरी हिस्सा हम अभी देखेंगे जो है साउंड। तो हम साउंड में जाएंगे अभी। तो साउंड में आप देखेंगे कि यहाँ स्पीकर्स है, तो स्पीकर्स आपका अभी अगर आपको चेक करना है कि आपका सही से चल रहा है तो हमें साइड से एक गाना प्ले करना होगा। तो आप गाना अगर प्ले करेंगे तो यहाँ आपको एक लाइन आएगी जिससे आपका स्पीकर चल रहा है या नहीं आपको पता चल जाएगा। खैर अभी तो मैं गाना आपको प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही चेक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें कि आप चेक कर रहे करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज में जाएं और देख सकते हैं कि आपका डिवाइस ठीक से चल रहा है या नहीं। आप उसमें ऑडियो लेवल्स बढ़ा सकते हैं, फिर आप नाम बदल सकते हैं उसका, आप एनहांसमेंट लगा सकते हैं। डॉल्बी जैसे कि एक फीचर है वो खास कंप्यूटर्स में आती है जैसे इसमें है, तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं और एडवांस यानी आप टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा साउंड अच्छा है। तो जैसे कि अगर 24 बिट अगर लेना है ये साउंड अगर आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो आप टेस्ट कर, अगर आप यही चेक करना चाहते हैं स्पीकर चल रहा है कि नहीं तो आप स्पीकर का टेस्ट। अगला हमारे पास रिकॉर्डिंग डिवाइसेस है, जैसे कि मेरे पास फिलहाल तो माइक्रोफोन है जिससे मैं आप बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मेरा माइक बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ वैसे वो आवाज कैप्चर कर रहा है। तो ये एक माइक्रोफोन का सेटिंग है, आप इसमें भी आप कॉन्फिगर कर सकते हो, आप आवाजें चेक कर सकते हो, सेटअप करा सकते हो। दूसरा प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हो, आपका वॉल्यूम लेवल्स आप इसमें बढ़ा सकते हो और आपका डीवीडी क्वालिटी या अच्छा क्वालिटी में आप ले आ सकते हो। फिर दूसरा आप साउंड्स में देख सकते हो, तो साउंड्स वैसे मैंने पहले भी दिखा दिए थे आपको। और कम्युनिकेशन तो खैर ये सिर्फ एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अगर टेलीफोन कॉल्स कर रहे हो तो वो रिड्यूस करेगा आपका वॉल्यूम। अगर आप कंप्यूटर से टेलीफोन कॉल्स कर रहे हो तो आपका 80% तक वो आपका बाकी का बाहर का आवाजें बंद करने की कोशिश करेगा। यही था साउंड के और साउंड के सेटिंग्स। इसके बारे में हमने काफी सारी चीजें आज जाने, जैसे कि हमने डेट एंड टाइम जाना, डेस्कटॉप प्रोग्राम्स जाना, डेस्कटॉप गैजेट्स के बारे में जाना, डिस्प्ले के बारे में जाना, पर्सनलाइजेशन के बारे में जाना, पावर ऑप्शंस के बारे में जाना और साउंड के बारे में जाना। तो बाकी और भी चीजें हैं यहाँ पे जैसे आपको दिख रहे हैं, तो वो सब चीजों के बारे में हम आगे और कवर करेंगे। धन्यवाद। एंड रिस्टोर क्या फीचर होती है करके, तो इसे क्लिक कीजिए तो ये खुल जाता है बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप एंड रिस्टोर बेसिकली क्या होता है, आप आपका सारा डेटा बहुत ही आसान तरीके से बैकअप कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं या एक और जगह पे उसका एक कॉपी बना सकते हैं ताकि अगर ये भी नष्ट हो जाए तो आपके पास एक और चीज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बैकअप वैसे तो यही होती है, यहाँ अलग अलग फीचर्स है, यहाँ क्लिक करोगे तो वो अपने आप जो जो चीजें बैकअप कराने हैं वो आपको ऑप्शंस देगा और आप उसे शुरू कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें बैकअप करनी नहीं है क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस है और आपको बहुत ही आहिस्ते से उसे काम करना पड़ेगा। तो हम फिर कंट्रोल पैनल में आ गए हैं, अब हम देखेंगे कि डिफॉल्ट प्रोग्राम्स क्या है, तो उसे क्लिक करें तो ये आ गए हम डिफॉल्ट प्रोग्राम्स के पेज पे। तो यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें से पहले ऑप्शन में लिखा है सेट योर डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, यानी आप आपके डिफॉल्ट प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। पर उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट प्रोग्राम्स क्या होता है, यानी डिफॉल्ट प्रोग्राम्स यानी कि जो कंप्यूटर पहले से ही डिफॉल्ट यानी पहले से ही जो सेट करके रखता है जो चीजें एप्लीकेशन किस तरह से चलने चाहिए, यानी अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो वो अपने आप ही इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेगा, अगर आपको म्यूजिक फाइल यूज करना है तो अपने आप ही वो विंडोज मीडिया प्लेयर खोलेगा, तो उसके मुताबिक हम देख सकते हैं। तो आइए खोलते हैं ये, तो ये अभी लोड कर रहा है, मेरे ख्याल में काफी सारे डिफॉल्ट प्रोग्राम्स होंगे जिसके वजह से अभी लोडिंग में थोड़ा समय लग सकता है। लो खुल गया। तो अब आप देख रहे हैं कि
यहाँ पे कि डिफॉल्ट प्रोग्राम्स क्या क्या करता है। तो ये आपके वेब पेजेस रन करता है, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर पेंट या फोटो गैलरी या विंडोज मीडिया प्लेयर आपका गाने सुनाता है। तो ये सारे चीजें डिफॉल्ट प्रोग्राम्स है और आप एसोसिएट कर सकते हो इसको अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ। करंटली तो इसकी इतनी अहमियत नहीं है, पर आप बदल भी सकते हो इसके एक्सटेंशन वगैरह। तो हम फिर चलते हैं पीछे यहाँ पे। तो आपने डिफॉल्ट प्रोग्राम्स क्या होता है या उसे कैसे बदलते हैं वो भी सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि डिवाइस मैनेजर क्या है। तो हम खोलते हैं डिवाइस मैनेजर को। तो एक बहुत ही लंबा सा लाइनअप खुल चुका है, तो यहाँ से हम बड़ा करते हैं और ये देख सकते हैं। तो हमारा लेनोवो डेस्कटॉप, यही है लेनोवो डेस्कटॉप। इसके अंदर कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स है, तो हमारे पास एक 64-bit रनिंग प्रोसेसर है। फिर डिस्क ड्राइव्स कितने हैं, हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जो 500 GB का है। फिर अडैप्टर डिस्प्ले का कौन सा है, हमारे पास ग्राफिक्स है। फिर हमारे पास ये DVD है और वर्चुअल ड्राइव है। फिर हमारे पास USB वगैरह है, जो ह्यूमन इंटरफेस है, HID है। फिर ATA SATA है हमारे पास, SATA कंट्रोलर। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड है जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास एक माउस भी है, हमारे पास एक जेनरिक PNP मॉनिटर भी है जो हमने पहले भी देखा था, उसे बदलते कैसे या उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन कम ज़्यादा कैसे करते हैं। फिर हमारे पास 2 नेटवर्क अडैप्टर्स है और कुछ कम्युनिकेशन पोर्ट्स है। एक 2.7 GHz प्रोसेसर है, एक इंटेल R डिस्प्ले है और रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो का भी बंदोबस्त किया हुआ है। और ये रहे कुछ डिवाइसेस जिसमें हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास कुछ USB पोर्ट्स है और यही है हमारा डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ बेसिकली हमें ये दिखाता है कि क्या क्या डिवाइसेस आपके पास चल रहे हैं, क्या क्या डिवाइसेस आपके CPU के अंदर है, और उसे हम देख भी सकते हैं कि कैसे है, चल सही चल रहे हैं या नहीं, या उसका कोई ड्राइवर प्रॉब्लम है तो आप उसको अपडेट करा सकते हो। तो उस तरह कुछ होता है चीजें। तो यहाँ बेसिकली आप मैनेज कर सकते हो डिवाइसेस को और आप यहाँ देख भी सकते हो कि आपका डिवाइस सही ढंग से चल रहा है या नहीं। और आप आपका डिवाइस अगर बंद कराना चाहते हो, सपोज आपको आपका एक USB बंद करा के रखना है, तो आप यहीं से बंद करा सकते हो। तो ये बेसिकली हमने जैसे BIOS का लेसन में देखा था, वो एक शॉर्टकट में यहाँ पे भी है जो आप कंप्यूटर के अंदर से भी कर सकते हैं। जिसको BIOS से मुश्किल होती है वो यहाँ से भी कर सकता है। तो ये एक तरह से आसान शब्दों में डिवाइस मैनेजर बोलते हैं। तो इसे हम बंद करते हैं अभी और आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स देख रहे हो, तो देखते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स क्या चीज है। तो ये खुल गया आपका डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक्सटर्नली क्या क्या डिवाइसेस है अभी फिलहाल तो करके। तो यहाँ आप एक वर्चुअल CD-ROM देख पा रहे हो, एक कैमरा हैंडीकैम देख पा रहे हो, एक डिस्प्ले देख पा रहे हो, एक कीबोर्ड देख पा रहे हो, एक लेनोवो डेस्कटॉप यानी हार्ड डिस्क देख पा रहे हो उसका, और एक ऑप्टिकल माउस देख पा रहे हो। और फिलहाल तो हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है। इसके लिए वो सिर्फ एक ऑप्शन दिखाता है कि आपके पास फैक मशीन हो सकता है, या आपके पास ये है, या आपके पास वन नोट हो सकता है। तो ये रहा बस। इसमें दरअसल हमारे पास कोई फैक्स मशीन है नहीं, इसका खुद का जो डिफॉल्ट जो प्रोग्राम है, जो फैक्स मशीन का प्रोग्राम रन करता है माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो वो अपने आप ही चालू कर देता है इस चीज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक्सटर्नल कौन से डिवाइसेस है, यानी जो इनपुट डिवाइसेस है आप ये देख सकते हो यहाँ पे। और आप ये भी देख सकते हो कि उसे वो कैसे चल रहे हैं, उसका हार्डवेयर क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप उसका बंद करा सकते हो, शुरू करा सकते हो, तो कुछ इस तरह है। और आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो उसमें क्या क्या कैसे चल रहा है करके। तो ये बेसिकली आपके जो आउटपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है, मेरे ख्याल में इनपुट डिवाइसेस है, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाएगा। जो आपने साइड से प्लग इन किए हैं, वो जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, या हार्ड डिस्क है, या माउस है, तो ये सब आपने अलग से प्लग इन किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको यहाँ पे दिखाती है। तो आप ऐड भी कर सकते हो डिवाइस यहाँ पे। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई डिवाइसेस होगी तो वो अपने आप ही ऐड हो जाती है यहाँ पे। और दूसरा आप प्रिंटर ऐड करा सकते हो,
तो उसके लिए भी एक इंस्टॉलेशन विजर्ड खुलता है जो ऐसे खुलता है। तो ये कुछ इस तरह है, आप वापस बैक जा सकते हो। उसके बाद हम अभी जानेंगे तो अभी हम देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड फीचर, तो आप क्लिक करें उसे। तो गेटिंग स्टार्टेड क्या है? गेटिंग स्टार्टेड एक तरह से विंडोज 7 का खुद का दिया हुआ एक मैनुअल है, यूजर मैनुअल, जिससे आप विंडोज 7 कैसे चलाते हैं या गेटिंग स्टार्टेड टू इट वो सीख सकते हैं। तो हमने काफी सारी चीजें इसमें बता दिए हैं वैसे तो, पर अगर आप और भी चीजें जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे कि आप ऑनलाइन से जा सकते हो, आप पर्सनलाइज करना सीख सकते हो, आप आपके फाइल्स जो है अपना सेटिंग्स दूसरे कंप्यूटर से इसमें ला सकते हो, फिर आप होम ग्रुप यानी इंटरनेट यूज कर सकते हो, फिर आपका नोटिफिकेशन कब चाहिए आप देख सकते हो, बैकअप करा सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो आप स्क्रीन का, नए यूजर्स क्रिएट कर सकते हो और विंडोज लाइव एसेंशियल्स भी ला सकते हो। तो ये सारी चीजें तो खैर काफी सारे को इंटरनेट लगता है, काफी सारे को हमने बता दिए हमने कैसे करने हैं हमें करके, जैसे कि हमने पर्सनलाइज वगैरह का बता दिया है, फिर बैकअप का बताया है, चेंज स्क्रीन बताया है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे है जो बताए हुए हैं। तो आप उसके ध्यान रखें और आप काम कर सकते हैं उसके साथ। तो अभी हम फिलहाल तो इसे बंद करेंगे और हम कंट्रोल पैनल भी बंद करेंगे। आज हमने क्या क्या जाना? वैसे हमने काफी सारी चीजें जाने, जैसे कि हमने आज डिवाइस मैनेजर के बारे में जाना, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के बारे में जाना और ढेर सारे और भी, और दो तीन कंट्रोल पैनल के फीचर्स के बारे में जाना था, जैसे बैकअप एंड रिस्टोर है, डिफॉल्ट प्रोग्राम्स है और गेटिंग स्टार्टेड है। तो ये सारे चीजें मेरे ख्याल में आपको काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आपको कोई भी क्वेरीज होंगे तो आप फिर से हमें फिर से ये वीडियो देख सकते हो और आप खुद प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगले सेशन में और कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। कंट्रोल पैनल दरअसल शुरुआत में जब होता है तब आपका कुछ कंट्रोल पैनल इस तरह दिखेगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे दिखने में तो ये काफी छोटा है, लेकिन इसके अंदर जब हम सीखने जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हम थोड़ा अलग ढंग से इसे करेंगे। तो आप ऊपर जाइए यहाँ पे जहाँ लिखा है व्यू बाय, और उसे एरो पे क्लिक कीजिए और उसे लार्ज आइकन्स में बदल दीजिए। इसे बदलने से आपको एक ही फायदा तो अनगिनत है, पर उनमें से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सारे के सारे टॉपिक्स को एक ही पेज के अंदर देख सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रहे होंगे, जैसे एक्शन सेंटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, ऑटो प्ले है, फॉन्ट्स है, फोल्डर है, साउंड है, परफॉर्मेंस है, मेल है, पर इनमें से हम सारी चीज़ें अभी जानेंगे नहीं, कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ वीडियोस में के द्वारा आप जानेंगे। तो हम देखते हैं। वैसे शुरुआत के लिए तो हम हमारे माउस से करेंगे, क्योंकि क्या है कि हम माउस बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम माउस के बारे में जानकारी पाएंगे और उसे बदलते हैं या उसके अंदर जो सेटिंग होती है या उसे कस्टमाइज करना है तो वो हम वहाँ से जानेंगे। तो आप माउस पे एक सिंगल क्लिक कीजिए तो आपका माउस का पूरा ये खुल जाएगा। तो ये वैसे तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं पॉइंटर्स, ये रहा पॉइंटर्स। तो जैसे कि आपको दिख रहा है तो मेरा पॉइंटर एकदम इसकी तरह दिखता है, पर आप वैसे अनगिनत पॉइंटर्स हैं आपके पास। जैसे आपको काला और वाइट वाला चाहिए या आपको ये वाला चाहिए बट थोड़ा बड़ा चाहिए, पर आपको दिख रहा नहीं है ठीक से तो बड़ा चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज पॉइंट, फिर लार्ज पॉइंटर भी है थोड़ा और बड़ा, और फिर सिस्टम स्कीम, तो ये जो नॉर्मल पॉइंटर है, उसके बाद ये काला पॉइंटर, फिर लार्ज काला, और फिर छोटा काला, बहुत बड़ा काला, और सब में अलग अलग साइजेस है, पर हम दरअसल अभी हमारा नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह दिखता है वो। यहाँ पे आप काफ़ी सारे और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप ब्राउज क्लिक करोगे तो आपको और भी सारे के सारे कर्सर्स जो भी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, और आप सिलेक्ट करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप गलती से कुछ भी कर देते हो, जैसे कि अगर मैंने ये चूज़ कर दिया और मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने से मेरा काला हो गया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता,
और मुझे वो सारे मेरा पुराना वाला सेटिंग वापस लाना है, बस एक क्लिक में हो जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ यूज डिफॉल्ट लिखा है, उसे क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए, अपने आप आपका हमारा पुराना वाला आ गया। फिर हम पॉइंटर ऑप्शंस में जा सकते हैं। वैसे पॉइंटर्स तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, ये पॉइंटर है जो हमारा माउस जैसे दिखता है, इसे कर्सर भी बोलते हैं। फिर पॉइंटर ऑप्शंस में चलते हैं, तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड। अगर हमने एकदम फास्ट किया तो बहुत ही फास्ट एकदम ऐसे ऐसे घूमेगा, और अगर हमने स्लो कर दिया तो हिलने में बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक स्पीड का माध्यम है कि आप पॉइंटर स्पीड कितना चाहते हैं, कुछ इस तरह चाहते हैं। तो फिर दूसरा है स्नैप टू ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू अ डिफॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। यानी अगर आप इसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप जब भी कोई ऐसा बॉक्स खोलोगे तो ये अपने आप ओके के पास चला जाएगा, या अपने आप कैंसिल या अप्लाई के पास चला जाएगा। दरअसल मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी बार हमें सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, और काफ़ी बार अगर हमने डायरेक्टली क्लिक कर दिया गलती से तो वो ओके हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो मैं दरअसल रेकमेंड करता हूँ कि ये चीज़ आप क्लिक ना करें, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है काफ़ी जगहों पे। फिर दूसरा है विजिबिलिटी, तो यहाँ पे पॉइंटर ट्रेल्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पॉइंटर ट्रेल्स दिखेंगे। आप जैसे अगर अभी आप शॉर्ट कर दोगे तो आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे, लॉन्ग कर दोगे तो आपको लंबे लंबे पॉइंटर ट्रेल्स। पॉइंटर ट्रेल्स दरअसल क्या है कि आपका जो कर्सर जो दिख रहा है आपको, ये एरो मार्क जैसा, उसका और चीज़ें दिखेंगी आपको। थोड़ा हिलाओगे तो ऐसे 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 और भी दिखेंगे। और दरअसल सिर्फ स्टाइल के लिए होती है, वैसे तो कुछ इसकी इतनी महत्वपूर्णता नहीं है, तो आप इसे बंद रख सकते हैं। फिर दूसरा हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, ये बहुत ही काम की चीज़ है। क्या है कि आप जब अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते रहते हो तो आप अचानक लिखना चालू कर देते हो और आपका माउस वहीं पर रहेगा, तो गलती से भी अगर आपका क्लिक लग गया तो आपका डिलीट हो सकता है। यहाँ पे वो अपने आप हाइड कर देता है पॉइंटर को, और दूसरा अपना अल्फाबेटिकल कर्सर ले आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसे यूज़ करें। दूसरा शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल, जैसे कि अगर आप कंट्रोल की, यानी जो आपका कीबोर्ड में जो कंट्रोल की है उसे प्रेस करोगे तो एक सर्कल की तरह आएगा, जैसे हम दिखा सकते हैं अभी, कुछ इस तरह दिखेगा वो, देखा ऐसे। तो आप जैसे ही कंट्रोल दबाओगे तो आपका एक सर्कल आ जाएगा, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आपका कंट्रोल दब रहा है, ठीक है। इतनी ज़रूरत तो नहीं है इसकी, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर दिखाई देना है कि आप कंट्रोल कब दबा रहे हैं तो बस। तो आप पॉइंटर ऑप्शंस भी जान चुके हैं, अब हम अगले पेज पे जाते हैं जो है व्हील। तो रोल ऑन वन नॉच टू स्क्रोल, यानी ये सारे स्पीड के लिए है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। जो हमारे पास ऊपर जो माउस के ऊपर एक रोलर बॉल जैसा है, तो उसका एक किया तो कितना जाना चाहिए, दो किया तो कितना, और तीन किया तो या अनगिनत कितना किया। तो ये व्हील मेरे ख्याल में आप छेड़िए ना, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो आती है वो बराबर काम करती है। धन्यवाद। अगला हार्डवेयर में चलते हैं हम। हार्डवेयर में ये यही बताती है कि आपकी माउस और अदर पॉइंटिंग डिवाइस ठीक से चल रही है या नहीं, हम देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है द डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, इसका मतलब आपका डिवाइस बहुत ही सही ढंग से चल रहा है। तो यही है माउस का वैसे चीज़ें। हाँ, एक और मेरे ख्याल में एक्टिविटीज़ जो है लास्ट, तो यहाँ डबल क्लिक स्पीड लिखी है। तो अगर आप डबल क्लिक को स्लोली, अगर आप दो क्लिक करोगे तो भी आपको अगर लेट चालू कराना है तो आप स्लो करा सकते हैं, और अगर आपको जल्दी कराना है तो फास्ट रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा कम रखें जो डिफ़ॉल्ट है, तो ताकि आपको आसानी हो। दूसरा एक और है क्लिक लॉक, तो यानी आप लॉक कर सकते हो आपका क्लिक जब आपको करना है, तो उसके मुताबिक एक सेटिंग्स भी आते हैं जैसे इस तरह। तो इसके सेटिंग्स आते हैं कब का लॉक करना है, कब लॉक नहीं करना है। वैसे ये आपके ऊपर है कि आपको लॉक करना है या नहीं करना है इसके लिए। आगे आपने माउस के बारे में तो जान ही लिया है, तब माउस के बगल में जो चीज़ होती है कीबोर्ड, अब उसके बारे में जानेंगे हम। तो कीबोर्ड पे क्लिक करें तो आपको कीबोर्ड की चीज़ें भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे है स्पीड, तो यहाँ लिखा है कैरेक्टर रिपीट, कैरेक्टर रिपीट डिले। तो आप जितना जल्दी, आपको ये कैरेक्टर रिपीट डिले क्या है, तो ये शॉर्ट या लॉन्ग क्यों लिखा है, यानी आप अगर आप अपना टाइपिंग कर रहे हो
और आपको अगर आपको शॉर्ट चाहिए, मतलब आपको टाइपिंग करोगे और ठप करके जल्दी आना चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो, तो थोड़ा लॉन्ग चाहिए तो थोड़ा आप देर से क्लिक करा सकते हो ताकि आप सोचने के लिए भी टाइम मिल सकता है, पर इसे आप लैग ना समझें, ये आपने सेटिंग की है इसके वजह से। रिपीट रेट एक और है जो फास्ट होनी चाहिए, यानी आप बहुत ही जल्दी आपका कीबोर्ड के रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, उसके लिए हमने बहुत फास्ट रखा है, हमने वही रेकमेंड किया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हैं, तो हेलो दिस इज अ टेस्ट, ये बहुत ही सही ढंग से काम कर रही है और बहुत जल्दी काम कर रही है। दूसरा आखिर में जो लिखा है द कर्सर ब्लिंक रेट, तो यहाँ पे फास्ट चाहिए या नन चाहिए। देखो ये कर्सर तब आती है जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ माउस देख रहे हो और यहाँ पे जब लिख रहे हो तब कुछ और देख कर्सर हो जाता है वो, तो यही है। अगर आपको ब्लिंक जल्दी चाहिए तो टक 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 बहुत फास्ट होएगा, और अगर आपको ब्लिंक ही नहीं चाहिए तो एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से ब्लिंक चाहिए। उसके बगल में वैसे आप ये पेज तो जान ही गए होंगे, अभी इसके बगल में हार्डवेयर है, जैसे हमने माउस में भी देखा था कि आपका डिवाइस ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो कीबोर्ड में भी हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल में कीबोर्ड में भी द डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली करके लिखा है, इसका मतलब आपका माउस और कीबोर्ड दोनों सही ढंग से चल रहा है, ये आप जरूर चेक कर लीजिए है आपका यूज करने के पहले। तो वैसे माउस और कीबोर्ड तो हमने जान ही लिया है, उसके बाद हम अभी जान सकते हैं कीबोर्ड से रिलेटेड जो है फॉन्ट्स, यानी फॉन्ट्स क्या है। तो फॉन्ट्स एक तरह से आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हो या जो जो जिस तरह से वो दिखता है आपका, आपने जो भी वर्ड्स या लेटर लिखा है उसे फॉन्ट कहते हैं। हम इसे क्लिक करके देखते हैं फॉन्ट क्या है करके, तो आपका अभी फॉन्ट पेज खुल रहा होगा, तो कुछ इस तरह दिखेगा आप अगर फॉन्ट शुरू करेंगे तो। तो ये सारे अनगिनत फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में पहले से हैं, मतलब फिलहाल तो मेरे कंप्यूटर में पहले से है, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स में इतने सारे फॉन्ट्स होते नहीं है तो आपको साइड से डालनी पड़ती है, पर आप कोई फिक्र नहीं, आप इंटरनेट से डायरेक्टली डाउनलोड मार के आप डायरेक्टली चालू कर देंगे तो अपने आप यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। पर यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप फॉन्ट्स सेटिंग्स दिख रहे हैं आपको, फॉन्ट सेटिंग्स आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखेंगी, तो यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे इन लोगों ने पूछा है कि डू यू वॉन्ट टू शो और हाइट फॉन्ट्स, तो हमने हाइट बेस किया है ताकि हम हर बार अगर आपको फॉन्ट बदलते रहना है तो ये हाइड ही रहे, ताकि हम हर बार हर एक चीज़ अपने आप ही बदल ना जाए, तो अपने आप ही वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट कर देंगे, लिए ऐसे क्लिक कर देंगे तो हो जाता है। तो ये एक चीज़ थी। फिर एडजस्ट क्लियर टाइप टेक्स्ट, यानी आप क्लियर टाइप के टेक्स्ट को एडजस्ट करा सकते हैं, तो ये कोई एक तरह से ट्रबल शूट मैनर है। तो ये LCD स्क्रीन, यानी हमारा जैसा अभी स्क्रीन है, अच्छा नया वाला स्क्रीन है, उसके मुताबिक क्लियर टाइप करके एक फंक्शन है जिसके वजह से हम यूज़ कर सकते हैं उसे। फिर हम साइज भी बढ़ा सकते हैं डिस्प्ले का, जैसे अगर आप मीडियम करते हो तो वो पूछेगा लॉग ऑफ करने, फिलहाल तो हम लॉग ऑफ नहीं करेंगे, तो फिलहाल तो हम नॉर्मल वाले ही रखेंगे तो जो है, पर आप मीडियम करोगे तो आपके सारे आइकन ऐसे दिखेंगे, लार्ज करोगे तो बहुत ही बड़े दिखेंगे, तो फिलहाल तो हम स्मॉल पे ही सही है, तो आप बैक वापस आ सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको सारे फॉन्ट्स दिख ही रहे होंगे, तो ये सारे फॉन्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉन्ट को छूते हैं और उसका प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं कि जैसे कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो किस तरह लिखेगी ये फॉन्ट करके, तो ये कुछ इस तरह लिखती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके अंदर 3-4 है, और इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह लिखती है। सिंस इसके अंदर 3 फॉन्ट्स है तो ये ऐसे दिखेगी, कुछ ऐसे। तो यही थी फॉन्ट्स की कलाकारी, इसके अंदर जो भी फॉन्ट्स है आप डिलीट की कर सकते हो फॉन्ट्स को, हाइड भी कर सकते हो फॉन्ट्स को, और ऑर्गेनाइज कर सकते हो, यानी आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से। तो यही था फॉन्ट्स का। वैसे तो आगे हम और जानेंगे फॉन्ट्स के बारे में जब हम MS ऑफिस के बारे में जानेंगे, वहाँ पे भी फॉन्ट्स की काफ़ी अच्छी इस्तेमाल होती है। उसके बगल में ही अगर आप फॉन्ट्स के बगल में आप देखोगे तो आपको फोल्डर ऑप्शन दिखता होगा, तो अब फोल्डर ऑप्शन पे चलते हैं हम। यहाँ एक छोटा सा विंडो ओपन हो चुका है,
तो यहाँ आपको फोल्डर ऑप्शंस दिखते होंगे, यहाँ जैसे ब्राउज फोल्डर्स, तो हर एक फोल्डर को आपको एक ही विंडो में खोलना है या अलग अलग खोलना है, यानी आप एक फोल्डर खोलोगे फिर एक और विंडो में एक और फोल्डर खुलेगा, एक और विंडो में एक और फोल्डर, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लस्टरी हो जाएगा, यानी बहुत ही ज़्यादा खिचमिड हो जाएगा उसमें, तो हम वो नहीं चाहते। इसके लिए हमने एक ही सेम विंडो में फोल्डर लाने के लिए हमने सिलेक्ट किया है। दूसरा, आप सिंगल क्लिक से लाना चाहते हैं या डबल क्लिक से, वो भी हो सकता है। ऐसे आप अगर आप क्लिक करेंगे एक क्लिक में ही आपका फोल्डर खुल जाएगा, या फिर आप दो क्लिक से करना चाहते हैं तो दो क्लिक से कर सकते हैं, फिलहाल तो दो क्लिक से है हमारा। फिर नेविगेशन पेन, आप अगर सारे फोल्डर्स दिखाना चाहते हैं तो सारे दिख सकते हैं, कुछ ही दिखाना चाहते हैं तो कुछ ही दिखेंगे। और अगर आपने कोई भी गलती इसमें कर दी, बस रिस्टोर डिफॉल्ट्स क्लिक कर दें और अप्लाई कर दें, तो वो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी। उसके बगल में जो व्यू का पैनल है वो उसमें चलते हैं। व्यू पैनल में तो खैर बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें से हम कुछ ही चीज़ों के बारे में जानेंगे जो मेन है। तो यहाँ पे जैसे आप शो आइकन्स का है ऑप्शन, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप शो कराना चाहते हैं अपने थंबनेल्स और आइकन्स या नहीं करके। फिर यहाँ डिस्प्ले फुल पाथ लिखा है, तो आपका सारा पाथ, यानी आप सी ड्राइव से लेके आपके फोल्डर तक गए हो तो आपका सारा पाथ वो बताएगा, आप चाहते हो तो लगा सकते हो। फिर हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये बहुत ही इस्तेमाल आती है, तो यहाँ हमने डोंट शो हिडन फाइल्स लिखे हैं। अगर आप शो करते हैं तो आपके सारे हिडन फाइल्स जो भी है वो एक वाटरमार्क टाइप का फाइल में दिखेगा आपको, तो और आप अपना हिडन फाइल्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, और अगर आप इसमें भी कोई गलती कर देते तो रिस्टोर डिफॉल्ट्स करके अप्लाई कर दोगे तो फिर ठीक हो जाएगी। फिर सर्च है, तो सर्च कैसे चलती है, जो सर्च का पैनल है तो वो अपने आप ही आपको पूछेगी कि क्या क्या आपको सर्च करना है, फिर हाउ टू सर्च है, क्या क्या चीज़ें उसे सर्च करना चाहिए, फिर व्हेन सर्चिंग नॉन इंडेक्स्ड लोकेशंस, यानी आपको कंप्रेस फाइल सर्च कराना है या आपको सारे फाइल सर्च कराना है, तो उसका भी आप करा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा सर्च के लिए एक सेटिंग है, जो आप कभी भी मनचाहे तौर पर आप बदल सकते हैं। इसमें भी आप कोई गलती कर देते हो रिस्टॉल डिफॉल्ट करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। आइकन्स के बारे में तो क्लिक करें तो ये आपका आ गया नोटिफिकेशन आइकन। पहले नोटिफिकेशन एरिया है क्या, तो ये नोटिफिकेशन एरिया है, तो इसी को नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, जो डेट एंड टाइम के बगल में है और जिधर वॉल्यूम, नेट और एवं अलग अलग और भी फीचर हैं। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो आपको अगर इधर आइकन्स चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे कि अगर मैं इसका हाइड कराना चाहता आइकन तो यहाँ से निकल जाता है, पर अगर मैं इसको वापस शो कराना चाहता हूँ तो शो हो जाता है कुछ इस तरह। तो यही है नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स, उसको आप चेंज कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, आप लगवा भी सकते हो, तो ये कुछ इस तरह है। हाँ, एक और है, आप अगर सारे आइकन्स एक ही साथ दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह दिखेगी, और अगर जिसके मुताबिक दिखाना चाहते हैं तो उस तरह दिखेगी। उसी के बगल में पेरेंटल कंट्रोल्स है। फिलहाल तो हमारे यहाँ पे कोई बच्चे नहीं हैं तो हमने पेरेंटल कंट्रोल्स तो नहीं डाले, लेकिन अगर आपके बेटे या बेटी या फिर आपको किसी और आपके आपसे भी छोटे इंसान से आपको कुछ चीज़ें बदलनी है या छुपानी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है, आपका पेरेंटल कंट्रोल्स काफ़ी अच्छा है। तो कुछ इस तरह है, तो ये पेरेंटल कंट्रोल्स है। उसके बगल में आपका परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स लिखा हुआ है, तो आप उसे क्लिक करें तो यहाँ आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी आपकी कंप्यूटर की क्या है। फिलहाल तो हमें ग्रेड 4.2 मिला है आउट ऑफ 7.9, तो मेरे ख्याल में 4.2 आउट ऑफ 7.9 बहुत ही अच्छी स्कोर है, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्राफिक्स की थोड़े प्रॉब्लम्स हैं और बाकी सारे बहुत ही अच्छे स्कोर मारे हैं। तो आप इसमें और भी आप विजुअल इफ़ेक्ट्स और भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो यहाँ पे आप चेंज करा सकते हो। फिर इंडेक्सिंग ऑप्शन है आपके पास, तो इंडेक्स करा सकते हो किसी भी चीज़ को आप। फिर पावर ऑप्शन, जैसे हमने पावर ऑप्शन पहले भी देख लिए हैं। फिर आप डिस्क क्लीन अप चालू कर सकते हो, अगर आपको क्लीन करना है आपका कोई रजिस्ट्री फाइल और कोई अनवांटेड फाइल्स निकालने हैं आपको तो आप उसे क्लीन करा सकते हो। फिर आपके पास एडवांस टूल्स है, जिससे आप डायरेक्टली क्लिक करके सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हो या डिफ्रैगमेंट कर सकते हो या टास्क मैनेजर वगैरह टाइप्स की चीज़ें खोल सकते हो। तो ये था आपका परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। हम बैक जाएंगे और वापस हम कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे।
तो अब हम देखेंगे कि फोन एंड मॉडम क्या चीज है। तो फोन एंड मॉडम, दरअसल अभी के टाइम में फोन एंड मॉडम इतना नहीं चलता, लेकिन अगर आपके घर पे डायलअप कनेक्शन है तो आप यहाँ पे एरिया कोड लगा सकते हो, आपका फोन कनेक्ट कर सकते हो और आप यहीं से शुरू कर सकते हो अपना फोन। तो ये काफी अच्छा फीचर है वैसे तो, लेकिन अभी इतना चलता नहीं है शायद। और उसके बाद हम देखेंगे रिकवरी क्या है। तो रिकवरी आप क्लिक करोगे तो आपके पास अगर सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन रहेगा, आपके इसमें OEM रहेगा तो आप क्लिक कर सकते हो, तो आपका सिस्टम रिस्टोर अपने आप शुरू हो जाता है। और आपके पास एडवांस रिकवरी मेथड्स भी है तो आप अपना रीइंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़, जैसे हम एक वीडियो में फिर दिखाएंगे आपको इंस्टॉल और रीइंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज़ को करके। या फिर आपके पास अगर इमेज है पहले से तो आप उसके भी कर सकते हो। तो ये एक तरह से रिकवरी है आपके विंडोज़ का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्पीच रिकग्निशन क्या चीज़ है करके। तो आप क्लिक करें तो स्पीच रिकग्निशन दरअसल आपका पूरा माइक का जो सेटअप है उसी का पूरा इजी वे ऑफ देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच भी डाल सकते हो। आप आपका टेक्स्ट आप जैसे बोलोगे वो अपने आप लिखेगा, लेकिन काफ़ी बार चलता नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें अमेरिकन इंग्लिश समझती है, हमारी देसी भाषा समझती नहीं है, तो इसके वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कभी कभी लिखने के तौर पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भी, मैं जब भी बात करता हूँ यहाँ पे फ्लिकर हो रही है, इसका मतलब है कि आपका माइक अभी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो हम देख सकते हैं माइक भी। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रबल शूटिंग का जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं हम। तो ट्रबल शूटिंग आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग बेसिकली क्या है कि आपका अगर कोई ट्रबल है, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो उसको शूट करना यानी उसका ठीक उपाय ढूंढना। तो यहाँ पे अगर आप यस क्लिक करोगे, जो अब हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो समय लगता है, और यस क्लिक करोगे तो आपका ट्रबल शूटिंग शुरू हो जाएगा। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर में जो विंडोज़ सॉल्व कर सकता है वो अपने आप ही सॉल्व कर देगा और आपको फ्रेश कंप्यूटर अच्छे से क्लीन करके दे देगा। तो ट्रबल शूटिंग का तो यही फंडा है। फिर उसके बाद उसके बगल में आप यूज़र अकाउंट्स देख पा रहे हैं। तो यूज़र अकाउंट्स आप खोलें तो यूज़र अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि आप करंटली एडमिन हो और आप यूज़ कर सकते हो। आप आपका अकाउंट नेम बदल सकते हो कुछ यहाँ पे, और आप आपका पिक्चर बदल सकते हो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए, और आप अगर और भी पिक्चर्स डालना चाहते हो तो और भी डाल सकते हो। जैसे ये है, हमें अगर ये पिक्चर डालना है तो अभी ये पिक्चर बन चुका है। फिर आप अगर दूसरा अकाउंट यानी लेनोवो जो है हमारा दूसरा अकाउंट, उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, और गेस्ट अकाउंट भी आप शुरू कर सकते हो। गेस्ट अकाउंट बेसिकली वही है कि पर फीचर्स कम होते हैं उसमें, तो बस वही है। तो यही था यूज़र अकाउंट का पेज। तो आप हम फिर से कंट्रोल पैनल में चलते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक विंडोज़ अपडेट वाला फ़ोटो भी है, तो उसको उस ऑप्शन को क्लिक करें। तो यहाँ पे विंडोज़ अपडेट बोलते हैं इसे, तो आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स क्लिक करें तो ये चेक करेगा अपडेट्स और आपको फटाक से बता देगा अगर आपका इंटरनेट फास्ट है। तो विंडोज़ के काफ़ी सारे अपडेट्स अक्सर आते रहते हैं, आप अगर चाहते हैं वो इंस्टॉल करना तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो काफ़ी बड़े फाइल के होते हैं और आपके पास अगर इंटरनेट फास्ट है तो आप प्लीज़ इंस्टॉल करें, क्योंकि काफ़ी बार वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। फ़िलहाल तो ये इन चेक फॉर अपडेट्स बहुत टाइम लगेगी, तो हम इसे मिनिमम बैक कर सके, वापस जा सकते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे हम फिर आ गए हैं। और आखिरी में जो कंट्रोल पैनल की जो फिनिश है तो उधर हम आपको सिस्टम दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर का सिस्टम। तो यही है इस कंप्यूटर की मेन सिस्टम पेज, यानी इसमें ही आपको सब कुछ बताती है कंप्यूटर क्या क्या चलती है, कैसे चलती है करके। शायद मैंने ये चीज़ें ये पहले भी बता दी थी हमारे कंप्यूटर वाले लेसन में। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो सिस्टम सेटिंग्स है और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे हार्डवेयर है, यहाँ कंप्यूटर नेम बदल सकते हो आप, सिस्टम प्रोटेक्शन है। तो ये बेसिकली आपका एक ऐसा पेज है जिधर आपको सब कुछ दिख जाएगा।